सिक्स पर थे, क्वेश्चन नंबर सिक्स कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। क्वेश्चन नंबर सिक्स को ध्यान समझिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर हुज अल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। उसका साइड जो है 6 सेंटीमीटर है, जिसका अल्टीट्यूड आपका 4 सेंटीमीटर है। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। ध्यान से सुनना बेटा, कल हमने इस पर डिस्कशन कराया था और हमने आपको समझाया भी। तो यहां हम आपको बता रहे हैं, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। रोम्बस, रोम्बस कैसा होता है हम सभी को मालूम है। ये रोम्बस की सभी साइड आपस में बराबर होती है और इसे हम ए कहें या बी कहें या हम सी कहें या डी कहें। तो इस रोम्बस में एक चीज बोला गया है कि यहाँ पर जो है रोम्बस जिसकी एक साइड 6 सेंटीमीटर है, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, ये जो हमारी साइड है 6 सेंटीमीटर है। और साथ ही साथ बोला गया है कि अल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड मतलब यहां से लेकर के और यहां तक के बीच में ये जो एरिया है ये 4 सेंटीमीटर है, इसको हम जो है यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया। अब इसके बाद इसमें कहा गया है कि वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। हियर दिस डायगोनल, मान लीजिए डायगोनल इसका दिया गया है, दिस डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, ये एक डायगोनल दिया गया है और वी हैव टू फाइंड द अनदर डायगोनल। ठीक है, तो यहां हम जानते हैं कि एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, तो रोम्बस भी क्या होता है, पहले किसके दो मेथड से एरिया निकालेंगे। रोम्बस में ही एक प्रकार का पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की एरिया होती है बेस इनटू अल्टीट्यूड। यानी कि हमारे पास हो गया कि बेस इनटू अल्टीट्यूड, तो अल्टीट्यूड हमारे पास यहां पर दिया गया है, तो हमने इसको यहां पर बेस हमारा हो गया 6, अल्टीट्यूड हो गया हमारे पास 4, ये हो गया 24 सेंटीमीटर पर। एक तो काम हमने ये कर लिया। एक आइडेंटिटी हमारे पास और होती है, एरिया ऑफ रोम्बस, तो ये हमारे पास हो गया एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ये d1 d2 क्या है, d1 d2 इज अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। तो डायगोनल हमारे पास जो है, एक डायगोनल आपका दिया गया है, that is equal to 1/2 into d1 हमारा है 8 into d2। अब हम यहाँ पर देखेंगे both area of same rhombus, both area I is a same rhombus, यहाँ लिखेंगे both are same, दोनों हमारे पास सेम है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/2 into 8 into d2 is equal to 24। हम इस 2 से इसे कट करेंगे, ये हो गया 4 बार में। अब हमारे पास जो है ये हमारा d2 है, ये हमें हो गया 24 बाई में 4, ये कितनी बार में कटा, 6 बार में। तो दूसरा डायगोनल हमारा d2 कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में किसी के मन में कोई डाउट है तो वे जो है अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेस का ऑप्शन लगाएंगे, और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो थंब इंप्रेशन प्रेस करें। सभी लोग जो है, जो लोग जिनको समझ में आ गया है थंब इंप्रेशन प्रेस करें, मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया है, और कोई डाउट है तो आप हैंड रेस का ऑप्शन लगाएं। ठीक है, तो इसमें श्लोक भैया ने थंब इंप्रेशन प्रेस किया, श्लोक को ये समझ आ गया है, और बाकी लोग क्यों नहीं भाई, इसका मतलब निष्क्रिय होने पर मैं रिमूव कर दूंगा। ये प्रियांशु जोशी के मन में क्वेश्चन है, प्रियांशु जोशी बोलिए बेटा, प्रणव तिवारी को समझा रहा है, ये वंश राजपूत को समझा रहा है, प्रणव तिवारी को आ गया, वंश राजपूत बहुत से, श्लोक चौधरी बहुत से बच्चों को समझा गए। हाँ बोलिए प्रियांशु सर, थंब इंप्रेशन प्रेस कर रहा था, हैंड रेस हमने समझ लिया। ओके ओके, सारी समझ में सबको आ गया है, क्लियर हो गया। एक रोम्बस को, रोम्बस भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम है। रोम्बस क्या है, रोम्बस भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम है। तो रोम्बस की एरिया दो फार्मूलों से हम निकालेंगे, एक फार्मूला हमने अप्लाई किया बेस इंटू अल्टीट्यूड और दूसरा फार्मूला हमने अप्लाई किया 1/2 इंटू d1 इंटू d।
अब हमने क्या किया, इसमें से पहले वाले फॉर्मूले में हमें बेस भी मालूम था, हमें एल्टीट्यूड भी मालूम था, तो हमने 6 × 4 करके 24 सेंटीमीटर यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया। फिर इसके बाद जो है रोम्बस एरिया डायगोनल से निकाली, जिसमें एक डायगोनल हमारा मिसिंग है, उस डायगोनल को हम जो है यहाँ पर फाइंड किए और उसको हमने जो है यहाँ पर फॉर्मूले दोनों को इक्वेट किया है और उसके बाद हमने इसे यहाँ पे सॉल्व। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में। थोड़ा मैं पहले पढ़ता हूँ क्वेश्चन, उसके बाद आपसे डिस्कशन करूंगा और फिर इसके बाद हम अपनी प्रॉब्लम को आगे बढ़ाएंगे। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल। किसी भी बिल्डिंग के फ्लोर फर्श को जो है हमारे पास जो है 3000 टाइल लग रही है, किसी बिल्डिंग के फर्श में 3000 टाइल लग रही है, विच आर अ रोम्बस शेप, जो कि प्रत्येक कैसी है रोम्बस के शेप में है। ईच ऑफ इट्स डायगोनल इज 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। प्रत्येक जो है हमारे पास जो डाय जो आपकी रोम्बस दिया गया है छोटी का इसका, उनका जो है डायगोनल, एक का डायगोनल 45 सेंटीमीटर और दूसरे का डायगोनल जो है 30 सेंटीमीटर लेंथ में दिया गया। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। हमें जो है टोटल कॉस्ट पॉलिशिंग का निकालना है। इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। ध्यान सुनिएगा बच्चों, पहले काम क्या है कि हमारे पास जो है हम निकालेंगे कि टोटल एरिया कितनी है जिसको हमें पॉलिश करना है। टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि एक रोम्बस का हम जो है पहले एरिया फाइंड करेंगे, यानी कि एक टाइल की एरिया फाइंड करेंगे। एक टाइल की जब एरिया हमें मिल जाएगी तो टाइल की कुल संख्या कितनी है, टाइल की टोटल संख्या है 3000 टाइल्स हमारे पास है। तो एक टाइल की जो एरिया निकलेगी उस एरिया को हम 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो है उस फ्लोर की टोटल एरिया हमें मिल जाएगी। टोटल एरिया जैसे ही हमें मिल जाती है हम उसके बाद वहां पर लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹4। द कॉस्ट ऑफ टोटल एरिया इज इक्वल टू, तो हम उसमें 4 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का दिया रहता है, ज्यादा का पूछता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और ज्यादा का दिया रहता है और एक का पूछता है तो हम उसमें डिवाइड करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 7। हियर अ रोम्बस, दिस इज द रोम्बस, रोम्बस इज द ए बी and C and D. So this is the first diagonal and this is the second diagonal. अब इसमें diagonals की बात कर रहे हैं। एक diagonal जो है आपका कितना है 45 सेंटीमीटर। एक diagonal हमारा है 45 सेंटीमीटर। दूसरा diagonal हमारा कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर। ये हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। दूसरा diagonal दिया गया। Area of rhombus is equal to 1/2 into d1 into d2। पहले तो हम इस फॉर्मूले से एक टाइल की एरिया हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हेयर 1/2 into एक टाइल हमारा 45 है, दूसरा टाइल हमारा थर्ड की जो डायगोनल जो है आपका दिया गया 30 दिया गया है, हम इसको 2 से कट करते हैं। ये 2 से हमने इसे कट किया, कितनी बार में, ये 15 आ गया, दैट इज इक्वल टू 45 × 15। अब जरा सभी लोग जो है 45 में 15 से मल्टीप्लाई करिए और जिनको आ रहा है वे अपना हैंड रेस करें और बताएं 45 में 50 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा। जल्दी शुरू हो जाइए, सभी लोग मल्टीप्लाई करिए। यस, प्रणव तिवारी सबसे पहले हाथ ऊपर किया इन्होंने। प्रणव तिवारी बताएं। सर 675 सेंटीमीटर। 675 सेंटीमीटर, बहुत सुंदर बेटा, ये हमारा है 675 सेंटीमीटर। एरिया हमेशा स्क्वायर में लगते हैं, ठीक हो गया। ये काम तो सबको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया है, जो टाइल जो रोम्बस शेप में थी उस रोम्बस शेप की टाइल की हमने एरिया निकाल करके रख दी, क्योंकि हमें क्यों निकाल कर दी, क्योंकि हमें मालूम था कि रोम्बस की एरिया होती है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये तो हमारा नंबर एक वर्क। दूसरा वर्क हमारे पास है, ऐसे ही कुल कितनी टाइलें हैं, कौन बताएगा, ऐसी कुल कितनी टाइलें हैं जो फ्लोर में लगी हैं, बोलिए भाई।
यस प्रणव तिवारी बोले सर 3000 3000। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे भाई, सभी लोगों को बोलना है। बाकी लोग भी जो है थोड़ा आगे आइए, जो पूछूं तो मुझे बताएं। 3000 टाइल है। अब बेटा एक चीज मुझे ये बताइए कि अगर एक टाइल की एरिया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 3000 टाइल की एरिया कितनी होगी, क्या करेंगे हम? कौन बताएगा? एक टाइल की एरिया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 3000 टाइल की एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रणव तिवारी बोलिए। मैंने किसी को म्यूट नहीं किया बेटा, आप जो है सभी अनम्यूट हो, आप बोल सकते हैं। देयर आर 23 पार्टिसिपेंट्स, यहां पर लिखेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ हमारे पास वन टाइल इज इक्वल टू 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा हाँ टाइल, तो यहां पर हो गया एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। तो क्या करेंगे 675 इंटू 3000। अब देखो बच्चों 3000 से मल्टीप्लाई करना आसान है। क्यों आसान है? 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद जो है उसके आगे 3 जीरो हम लिख लेते हैं। देखिए 3 5 जा 15 1, 3 7 जा 21, ये 22 वेरी टू, 6 3 जा 18 19 20, ये हो गया 20 और कितने जीरो 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने जो है इतना हमने 2025000 हमने इसको इतना मिला दिया। अब देखिए इसको हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में हमने लिख दिया है। अब क्योंकि जो कॉस्ट दिया गया है वो मीटर स्क्वायर में दिया है। अब देखिए बेटा कैसे मैं इसको चेंज करूंगा, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना ये, तो सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर हम दो बार लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है हम उसको दो बार मल्टीप्लाई कर सकते। देखिए बच्चों ध्यान से देखना, इसमें भी इस पर काम 2025000 मैंने यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं की। अब इसके बाद हमने लिखा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, हमने सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिख दिया। अब देखिए सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2025000 इंटू, ये हो गया आपका मीटर बाई में 100 इंटू मीटर बाई में 100 सेंटीमीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं सक्षम भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, सक्षम? हाँ बेटा सक्षम बोलिए। सर हाँ बोलिए सर। सर आपकी सर वीडियो नहीं आ रही है सर हमारे पास। क्या नहीं आ रही है? सर वीडियो नहीं आ रही है सर, क्लियर बिल्कुल भी। अच्छा क्लियर नहीं आ रही है, कोई बात नहीं बेटा, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आपके ग्रुप में ये वीडियो जाएगी। आप परेशान मत होइए, नेटवर्क की वजह से वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ आपको दोबारा जितनी बार चाहे उतनी बार जब नेटवर्क आए तब आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी केवल आपकी वॉइस को सुन रहे हैं उससे भी काम हो जाएगा। तो आप देखिए सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये जो हमारे पास जो है दो जीरो थे हमने इसके दो जीरो से कट कर दिया, एक जीरो था हमने एक जीरो से कट किया और एक डेसिमल हमने लगा दिया, ये हमारा हो गया 202.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा जो है काम, हमने इसको मीटर स्क्वायर में बदल दिया। अब हमें जो दिया गया है इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज कितना, यहाँ पर 4 दिया गया है, 4 रुपए जो है पॉलिशिंग का जो खर्चा है ना, पॉलिश का, यानी कि टाइल लगाने का नहीं मामला है, टाइल लगाने के बाद उसको चमकाना भी पड़ता है, घर में भी तो करते हैं, ठीक है। तो जो है टाइल्स को जब हम लगा लेंगे तो उसके बाद उसकी पॉलिश होती है, चमकाया जाता है, शाइनिंग आती है, तब जाकर कमरा जो है आलिशान बंगला बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट रुपीज 4 है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 202.5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इतने की कॉस्ट क्या होगी? एक का जब भी दिया गया होता है और ज्यादा का पूछता है तो हम क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
ये हो गया 4 × 202.5। हम इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है क्या मिलेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4 × 5 = 22, 4 × 2 = 8, 8 और 2 कितने हो गए 10, कैरी 1, 400 यहाँ पे 1 हो गया, 4 × 2 = 8, तो ये हमारे पास हो गया डेसिमल, हमारे पास जो है एक प्लेस पर हम डेसिमल पुट कर देंगे तो आंसर हो गया हमारे पास ₹810 आपका जो है आंसर है। जिसके मन में कोई डाउट है वे क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसके मन में डाउट नहीं है वे थंब इंप्रेशन प्रेस करें। सिद्धार्थ एर्थ बी के भैया इन्होंने हैंड रेज किया है, एक बार इनकी बात सुन लेते हैं। सिद्धार्थ भैया बताएं। सिद्धार्थ आप मुझे सुन पा रहे हो? सिद्धार्थ चलिए जिनको आ गया अपना थंब इंप्रेशन प्रेस करें बेटा, मैं देख लूं कम से कम कुछ बच्चे जो इनको समझ में आ गया है वे उनका थंब इंप्रेशन देख लूंगा तो मुझे लग जाएगा कि हाँ मृदुल को समझ में आ गया और ये प्रियांशु जोशी को समझ में आ गया, दो थंब इंप्रेशन हो गए, और ये क्रिस शिल्लर को भी समझ में आ गया है। अभी जो है बहुत से बच्चे प्रणव तिवारी, काफी बच्चों ने आप जो है हाँ ये रिस्पॉन्ड जरूरी है बेटा, प्रणव तिवारी को भी समझ में आ गया, मैं नाम बोलते जा रहा हूँ। ये जो है हमारे नैतिक कुमार को आ गया, मृदुल शाह को आ गया, ये शौर्य को आ गया, सुप्रज्ञ को आ गया, देखिए नैतिक सभी जो है बहुत से बच्चे हैं लगभग आप मुझे समझ आ गए सभी बच्चों को ये आ रहा है। दिस इज एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि मुझे लगे कि हाँ भाई इसमें कुछ प्रतिक्रिया हो रही है, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, समझ में आ रहा है, तब आप इतने लोग ओके करोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, ओके नहीं करोगे तो इसी 7 नंबर को मैं दोबारा से बता देता। तो ये जो है प्रक्रिया होती है आपको बताने की। अभी देयर आर 26 पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड, अभी 26 पार्टिसिपेंट कनेक्टेड हैं। देखो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि ये हमने दो क्वेश्चन आपके सामने अभी बताए, और आज का जो हमारा एक साथ में एक एजेंडा भी है, 26 संख्या हमारी हो गई है। एजेंडा ये है कि हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, जिस एक्टिविटी के लिए डिटेल जो है मैंने पीडीएफ आपको भेज दी है, यानी आपके ग्रुप में, आपके जो ग्रुप में क्लास के ग्रुप में मैंने एक जो है दो फोटो भेजे हैं, पीडीएफ भेजी है, पीडीएफ नहीं है वो इमेज ही है, लेकिन मैंने उसे आपको सेंड कर दिया है ताकि जो है आप लोग पूछते हो ना कि हम लोग अपनी कॉपी पर कैसे लिखें, तो जो है वो आपका लिखने का मैनर है वैसे ही उसी का रेफरेंस लेकर के आपको अपनी कॉपी पर एक्टिविटी को लिखना है, वो आपका प्रूफ हो जाएगा कि हाँ आपने एक्टिविटी घर पर परफॉर्म की। और जो उसमें का वर्क है, मेन वर्किंग प्रोसीजर है, वो मैं यहाँ से आपको जो है शो कराऊंगा, अभी दिखाऊंगा। तो हमारा जो है अपना जो एक्टिविटी था, एक्टिविटी ये कहा गया है इस एक्टिविटी में कि आपके पास जो पैरेललोग्राम होते हैं, पिछली एक्टिविटी में हमने बताया था कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वे सप्लीमेंट्री होते हैं। अब आज की जो हमारी एक्टिविटी है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब पैरेललोग्राम कैसा होता है पहले आप उसको समझिए, हमें ये बताना है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल, पैरेललोग्राम को पहले मैं यहाँ पे बना देता हूं, एक पैरेललोग्राम मैंने यहाँ पर बना दिया इस तरीके से, और ये है हमारा पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम को हमने बना दिया ए बी सी और डी, हमें दिखाना है कि ये एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करते हैं ना ये पॉइंट, यानी ए को इज इक्वल टू ओ सी और बी को इज इक्वल टू ओ डी। तो ये जो है हम क्या करते हैं कि हम जो है थ्योरेटिकल तो हम प्रूव कर सकते हैं थ्योरी के रूप में, यानी कि लिख करके ज्योमेट्रिकल शेप में, लेकिन जो है हम एक्टिविटी में रूप में हम इसको करके देखना चाहें तो हमें कैसे करना होगा। तो मैं आपको कुछ आपके लिए मैं बना करके भी प्रयास किया है मैंने, तो ये जो है मैंने आपको पहले तो आपको बता दिया, देखिए हमने आपके सामने एक पैरेललोग्राम हमने कट करके यहाँ पे आपके सामने मैं ले कर दिया है, देख रहे हैं बच्चों, ये सभी को एक पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है, ये पैरेललोग्राम सभी स्टूडेंट्स को दिखाई दे रहा होगा, ठीक, ये पैरेललोग्राम बिल्कुल है आइडेंटिकल है दोनों साइड में, मैंने बिल्कुल ऐसा बना रखा है, आप देख सकते हैं। जो मैं काम करने वाला हूं वो आप अपने घर पर भी करके देख सकते हैं, बहुत कॉस्टली नहीं है, रफ बेस्ट मेटेरियल से हम मैं यूज करता हूँ, मेरा कोई भी एक्टिविटी जो है खर्चीला नहीं है, ये पता लगा कि मार्केट में पिताजी से खरीद करके ये सामान मंगाना है वो सामान मंगाना है, जब तक जो है इतना खर्चा नहीं होगा तब तक मेरी एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, ऐसा नहीं। मैथमेटिक्स में आपके पास वेस्ट मटेरियल से 99% एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है,
ठीक है, तो आप उसको घर पे अपना प्रयास करके करेंगे, वैसे बना करके आप जो है अपने उसमें कॉपी पर पेस्ट करेंगे। मैंने इसके साथ साथ मैंने जो है दो काम किए हैं, एक और मैंने जो है आइडेंटिकल दो हमने जो है ये पैरेललोग्राम, हमने दो पैरेललोग्राम आपके सामने बना करके रखे हुए, आप देख रहे हैं ना। दोनों पैरेललोग्राम की खासियत यह है कि ये दोनों पैरेललोग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के ओवरलैप करने वाले हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप। देखिए हम इसको कहीं से भी घुमाते हैं तो ये जो है पैरेललोग्राम आपके सामने बिल्कुल जो है एक शेप में है, एक साइज के है, कहीं से इसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई हमारा छोटा नहीं। आपके घर में बेटा एक छोटी सी ये आलपीन मेरे पास है, देखिए आप लोग एक आलपीन है, ये जो आलपीन क्या बोलता है पेपर पिन होती है ना, इस पेपर पिन को आप देख रहे हैं बच्चों, आप दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, ये पेपर पिन है। इससे क्या होता है, या निडिल हो या आपके पास सेफ्टी पिन हो, जो भी आपके पास घर में आप उसको देख सकते हैं। तो आपके जो ये दोनों है, ये दोनों हमारे जो आइडेंटिकल पैरेललोग्राम है, इसमें हम क्या करेंगे, इनको पहले ऐसे रखेंगे कि वे एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो हमने जो बिल्कुल ओवरलैप कराया यहाँ पर, ओवरलैप करा करके, और जो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों जो डायगोनल है, उन दोनों डायगोनल्स के बीचों बीच हमने जो है एक स्पिन को यहाँ पर चुभा देते हैं। चुभाने का मतलब क्या है कि इस पिन के ये हमने पिन रख दिया है, देख रहे हैं आपके सामने ये पिन जो है आप ऐसे घुमा सकते हैं, देख रहे हैं बच्चों ये कितना अच्छा लग रहा है, इसमें वीडियो बड़ी अच्छी आ रही है इसकी, ये देख रहे हैं घूम सकता है, ये मूविंग है। अब इसमें आपको क्या, ये एक्टिविटी क्या परफॉर्म करनी है मैं आपको बताता हूं, उसको आप समझिए कि एक जो है पैरेललोग्राम को आप जैसे मान लीजिए एक पैरेललोग्राम को आप घुमाएंगे ना तो ये पैरेललोग्राम ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। ये एक्टिविटी है बेटा, देखिएगा ये पैरेललोग्राम देखिए एक के ऊपर मूव कर रहा है, जब हम इस पैरेललोग्राम को ऐसे घुमाते हैं तो ये पैरेललोग्राम बिल्कुल जो है एग्जैक्ट एग्जैक्ट हमारा कहां जाता है, पैरेललोग्राम बिल्कुल जो है एक सीध में रहता है। इसको मैं 180 डिग्री घुमाता हूं, 180 डिग्री हमने इसको घुमाया तो हमारे पास ये देखिए फिर से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया, ये पैरेललोग्राम जो है फिर से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया। फिर हम इसको जो है 180 डिग्री हम इसको घुमा रहे हैं तो ये हमारा देखिए फिर से एक दूसरे को ये ओवरलैप कर जाएगा। इसके बाद फिर हम इसको और घुमाते हैं ऐसे तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से फिर से जो है हमारा एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप कर गया। तो इससे मालूम चलता है कि आधा इधर का डायगोनल जब 180 डिग्री ऐसे जो है घूम करके जाता है तो भी हमारा जो है पैरेललोग्राम बिल्कुल एक दूसरे पर एग्जैक्ट बैठता है, यानी कि हाफ डायगोनल लेफ्ट साइड का जब राइट में जाता है तो भी वो बराबर पूरी तरह से बैठ जा रहा है, और राइट का जो है जब हम लेफ्ट में ले जा रहे हैं तो भी वो पूरी तरह से क्या हो जा रहा है, बैठ जा रहा है। फिर से देखिए ये हमने इसको घुमा रहे हैं 180 डिग्री हम घुमाएंगे तो पूरी तरह से ये हमारा पैरेललोग्राम जो है बिल्कुल फिट हमारा बैठ। इसके बाद फिर हम 180 डिग्री इसको घुमा रहे हैं तो ये पूरा पैरेललोग्राम जो है हमारा पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर जो है फिट होके बैठ। तो आप इस एक्टिविटी को देख सकते हैं, कर सकते हैं, और आप घर में भी जो है आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक्टिविटी आप देख रहे होंगे कि जो है इस तरह प्रॉब्लम, देखिए क्या होता है ना कि मैथमेटिक्स हमेशा खेल खेल में हम सीख सकते हैं, तो आप इसको देखेंगे आप इसके सामने तो एक तरह से आपके सामने जो है एक एक्टिविटी भी परफॉर्म हो रही है, आप इसको खेल सकते हैं। जो मार्केट से आप लोग खर्च करते हैं वो आपका देखिए, और क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट है दोनों साइड में बैलेंस है। देखिए अगर मान लीजिए ये ऐसा आसानी से क्यों घूम रहा है, ये आसानी से इसलिए घूम रहा है बेटा ना कि जो है जहां पर ये पिन लगी है वो पिन बिल्कुल बीचों बीच है, दोनों डायगोनल के बिल्कुल बीचों बीच है। अगर एक साइड हमारा जो है बड़ा होता, एक साइड हमारा छोटा होता तो ये जो है जब हम इसको राउंड में हम रोटेट करते ना तो ये इतनी आसानी से इतना स्मूथ जो है ये घूमता नहीं, ये बड़ा छोटा होता, ये अनबैलेंस होकर के एक जगह जाकर के ये क्या हो जाता, रुक जाता, ठीक है ना। तो हमने इस एक्टिविटी में देखा कि हमने अगर एक तरफ लेफ्ट साइड के डायगोनल को उठा करके हम यहां से, यानी कि इस वाले डायगोनल को उठा करके हम यहां से यहां पर ले आते हैं तो भी हमारा पैरेललोग्राम पूरी तरह से एक दूसरे पर ऑक्यूपाई हो जाता है, कोई भी एरिया बाहर नहीं दिखाई देती। फिर से हम यहां से नीचे वाली एरिया को फिर से घुमा करके इधर ले आते हैं या यहां से फिर ऐसे घुमा कर ले जाते हैं, जितना हम घुमाते हैं वह जो है 180 डिग्री अगर हाफ सर्कल हम घुमा देते हैं तो ये हमारा जो है पैरेललोग्राम क्या हो जाता है, हाफ हमारा पैरेललोग्राम एक दूसरे के ऊपर ऑक्यूपाई कर लेता है, एक दूसरे को कवर कर लेता है। कांग्रुएंसी का रूल होता है कि अगर एक के ऊपर दूसरे को रखा जाए
तो भी वो पूरी तरह से भर लेगा, या दूसरे के ऊपर एक को रखा जाए तो भी जो है वो एक दूसरे को कवर कर लेगा। जैसे आपने देखा होगा ना, एक रुपए का एक सन का क्वाइन होता है, एक क्वाइन के ऊपर दूसरे क्वाइन को रखते हैं तो पूरी तरह से कवर कर लेता है, उसको फिर पलट देते हैं ना तो पहला वाला भी जो दूसरे वाले को कवर कर ले, दोनों एक दूसरे को क्या हो रहा है, कवर कर रहे हैं। आप देखिए मेरे हाथ को देख रहे हैं ना, ये मेरा हाथ एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट बैठा हुआ है, ये हाथ दूसरे पहले वाले को छिपा लिया, ये हाथ दूसरे वाले को छिपा लिया, इसका मतलब क्या है, ये दोनों हाथ हमारे बराबर है। इसका मतलब लेफ्ट मिडिल से लेफ्ट साइड का आधा डायगोनल मिडिल से राइट साइड के आधे डायगोनल के ऊपर ऑक्युपाई कर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, मिड पॉइंट से दोनों डायगोनल बराबर है, मिड साइड से दोनों डायगोनल बराबर हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब यह है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, यानी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये हमारी आज की एक्टिविटी है बेटा। आप जो है ऐसा नहीं कि ये जो है मैं हूं बहुत बड़ा विद्वान और अतुल पाठक जी ने आपके सामने बैठ करके और एक्टिविटी को परफॉर्म कर दिया, अब ये एक्टिविटी जो है हो गई, मैं जादू दिखा दिया, ऐसा नहीं है। ये हमारा हर बच्चा जो है खुद से घर पे करके देख सकता है, चेक कर सकता है कि जो मैं बोल रहा हूँ ये स्टेटमेंट सही है अथवा गलत है। अगर मेरा स्टेटमेंट गलत है आप मुझे तुरंत कॉल करिए कि सर आपने जैसा बताया था मैंने ऐसी ही एक्टिविटी परफॉर्म की लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली, आप जो बता रहे थे वैसा मेरे साथ नहीं हो पा रहा, तो आप मैं आपसे पूछूंगा कि क्या कारण है, कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। देखिए बेटा आप लोग कहीं जाते होगे ना मेले वगैरह में या कहीं ऐसे जगह स्थानों पर जहां पर जादू दिखाई जाते हैं, तो जादूगर से बोलिए कि आप जो है मुझे जादू सिखा दो, जादूगर अभी सिखाएगा आपको अपनी जादू, भाई उसकी दुकान बंद हो जाएगी, वो कहेगा कि मैं तुम्हें ही सिखा दूंगा, तो फिर तुम कल से तुम यहाँ पे दुकान यहाँ जादू दिखाओगे और मेरा धंधा खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स की एक्टिविटी में कोई जादू का धंधा नहीं है बेटा, ये हम आप बच्चों को सिखाने के लिए बैठे हैं। ये छोटी छोटी एक्टिविटी क्या होता है ना, हमारी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बढ़ाती है, ये छोटी छोटी एक्टिविटी हमारी पढ़ाई में रोचकता लाती है, ठीक है ना, क्योंकि बार बार हम जो है सवा घंटे एक घंटे हम मैथ पढ़ते रहते हैं, बीच में हम कुछ छोटी सी एक्टिविटी करके चेक कर लें, या अपने छोटे भाई को सिखा लें, या अपने मित्र को सिखा लें, या अपने दोस्तों को सिखा लें, या अपने पेरेंट्स को बताइए कि देखिए मैंने आज एक नई चीज जो है एक्टिविटी के रूप में सीखी। आपको देखिए मैंने जो है जो आपको मैंने इमेज भेज रखी है पीडीएफ वाली, वो बिल्कुल जो है ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से करा रहा हूं, टोटल दिस इज द सीबीएसई की गाइडलाइन के मुताबिक प्रेस्क्राइब्ड बच्चों को जो एक्टिविटी करानी है वो सारी एक्टिविटी मैं आपको कराता हूं, एक भी जो है फालतू इधर उधर की मैं एक्टिविटी नहीं कराता, जो आपके लिए नीड है, जो आपकी जरूरत है, जो आप डिजर्व करते हो, वो सब चीजें आपको यहां से दी जाती है, यहां से डिलीवर की जाती है, ठीक है बेटा। तो वो मेरा काम है और वो आप इसके हकदार है, आप इतना जानने के इतना आप परफॉर्म करने के हकदार है, आप बिल्कुल खर्च के चक्कर में ना पड़े, आप स्वयं से अपने घर पे छोटी सी एक्टिविटी को करके देखें, देखेंगे आप पाएंगे कि डायगोनल जो है रोम्बस पैरेललोग्राम के आपस में बराबर होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, और वो मिड पॉइंट जहां पर ये आपका जो पिन है यानी जहां पर बिल्कुल अगर आपने मिडिल में बनाया ना तो वो मिडिल वाला पॉइंट जो है बिल्कुल आपको एग्जैक्ट जो है इस तरीके से कितना सुंदर देखिए ये जो है आप जो है यहाँ पर, और ये पेज है बेटा, ये कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड सीट A4 साइज का पेज मैंने जो है अभी यहाँ रखा हुआ था ना, यहाँ पे हमारे यहाँ फोटो स्टेट की मशीन है वहां से मैं उठा लाया और आपके लिए एक्टिविटी बना दिया, तो ये मैंने भी कोई खर्च नहीं किया, और ये A4 साइज का मैंने कोई ऐसे जो है इसको ये बोलते ना चकर घिन्नी, हाँ ये वर्ड यूज किया, आप लोग भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारा काम आज का हो गया। तो अब बच्चों हम आपको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी हमारे पास जो है 5 मिनट है और एक क्वेश्चन को हम और ध्यान देते हैं, इस एक्टिविटी को आप करेंगे पूरा टाइम लेंगे और अपनी एक्टिविटी की कॉपी पर जैसा मैंने आपको बताया है वैसा परफॉर्म करके लिखना है, और ये जो है अपने पेपर पे आप बना करके इसको वैसे ही पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो पेस्ट करके अपनी कॉपी ले आएंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि हाँ आपने एक्टिविटी की है, ठीक है, इसके मार्क्स मिलेंगे। ये कोई भी काम जो है ऐसे नहीं है, हर चीज को जो है यहाँ मार्क्स से जोड़ा गया है। तो अगला हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुने। लिखा है कि मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड, मोहन एक नाम है, वह क्या चाहता है, एक जो है ट्रेपेजियम साइज का यानी ट्रेपेजियम के शेप में एक फील्ड जो है वो खरीदना चाहता है, ठीक है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, उसकी जो दो साइड है, एक साइड जो है नदी के किनारे है
क्योंकि उसे नदी की लोकेशन बहुत अच्छी लगती है, और दूसरे साइड में जो है उसके पास क्या है, एक रोड है, मेन रोड है। अब सुनिए कितना अच्छा प्लॉट है, यानी मेन रोड से, यानी कि अगर कार से, ट्रक से कोई भी आना चीज लाना चाहे तो अपने प्लॉट पे ला सकता है, और वहां से अपने रिवर का बोटिंग, फिशिंग जो करना चाहता है वो उस प्लॉट को, तो यानी वो अपने मन के माफिक वह जो है वहां पर एक लैंड जो है वो खरीदना चाहता है। ठीक हो गया। अब उसमें बोला गया है कि रिवर के साइड जो हमारा जो पोर्शन है वो पोर्शन ज्यादा है किससे, रोड के साइड वाले पोर्शन से, और कितना ज्यादा है, दैट इज अ ट्वाइस, रोड के साइड में जितना एरिया है, जितना लेंथ है, उससे दोगुना लेंथ जो है रिवर के साइड में, तो उसको जो है ये जो है कंडीशन दी गई है। फिर इसके बाद कहा गया द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500, उस फील्ड की जो एरिया दिया गया है वो एरिया है 10,500 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद कहा गया द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर। टू पैरेलल साइड कौन कौन सी, रिवर के सामने की साइड और रोड के सामने की साइड, दोनों साइड के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 100 मीटर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर एंड अलोंग द रोड। तो ये हमारे पास जो है अभी आपके साथ जो है हमारे भदौरिया जी हैं, भदौरिया जी आपके पास के आपके मित्र हैं, आइए यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूं, भदौरिया जी, यस प्लीज सर, आइए सर। तो ये अभी यहाँ पर है, और ये यहाँ पर हमारे साथ जो है ये बैठ करके, मैं यहाँ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था, ये भी बैठ करके अपनी एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, मैं अपनी एक्टिविटी में सफल हो गया, और आपके मित्र जो है भदौरिया जी ये भी अपनी एक्टिविटी में सफल हो गए, इनको मैं थैंक यू बोलता, थैंक यू बेटा, अब बैठ जाओ। तो अब जो है हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बेटा, और आपको हम पहले इस क्वेश्चन को फिगर के माध्यम समझाते हैं, अभी 2 मिनट का समय है, फिगर में बताता हूँ, आप इसे खुद से करके देखेंगे, नहीं आएगा तो हम जो है फिर नेक्स्ट टाइम भी आपको जो है उसे समझाएंगे। तो ये हमारे पास जो है यहां पर ट्रेपेजियम है, एक यहां पर रोड है, ये ट्रैफिक रोड, दिस इज रोड, रोड को हम कैसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे, ये रोड को बीच में जो है ये डिवाइडर का पोर्शन होता है, ये रोड है, और यहाँ पर हमारे पास जो है एक पोर्शन हमारे पास है, यहाँ पर क्या है, नदी है, दिस इज अ रिवर, नदी, ये नदी, नदी में पानी है, नदी होगी तो पानी होगा ही, और इसमें जो है यहाँ पर एक पोर्शन ऐसा है, एक पोर्शन ऐसा है, ठीक है, और यहाँ से बोला गया है कि अगर आप इसको मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, तो ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर के ये पोर्शन क्या हो जाता है, ये पोर्शन हमारा 2x हो, ठीक है, इसको एक्स मान लेते हैं तो ये 2x, और बीच का जो परपेंडिकुलर हाइट है दैट इज 100, ठीक है, 100 मीटर। अब इसके बाद एरिया इसकी कितनी दी गई है, एरिया जो दी गई है दैट इज इक्वल टू 10500 मीटर स्क्वायर, ये इसकी एरिया दी गई है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल 1/2 ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू एच, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है आपको, यहां से पहले जो है एरिया के फॉर्मूले में पुट करना है, एरिया की जगह पे एरिया को लिखना है, हाइट की जगह पे हाइट को लिखना है, और जो पैरेलल साइड है एक साइड आपकी एक्स है, दूसरी साइड आपकी 2x है, उनको भरना है। अब आपको चेक करना है, अगर आप कर ले आते हो तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, अगर आप इसे नहीं कर पाते हैं आपका करेक्ट आंसर नहीं आएगा, जब आंसर नहीं आएगा तो आप थोड़ा सा प्रयास करिएगा, प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी, अगर प्रयास करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो आपके सर जो है आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आपने बड़े ध्यान से हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास ओवर करते हैं बेटा, हमारे पास हमारा टाइम भी कम्प्लीट हो गया है, थैंक यू।